हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ई कॉमर्स कैटेगरीज। हमने ये जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है ई कॉमर्स बी 7th सेम CSE ब्रांच के लिए। तो इस पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स एंड IT स्ट्रैटेजीज़। तो ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, IT स्ट्रैटेजीज़ पे इसके यूज क्या हैं, और जो हम ट्रेडिशनल यूज़ करते थे जो कॉमर्स पहले, उस पे और आज के जनरेशन्स पे क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या इनोवेशन्स हुए हैं, किस टेक्नोलॉजी के बेस पे हम कैसे और चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट हमारे लिए आज के डेट में कितना फ़ायदे है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, जो हम डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट सिस्टम करते हैं उसके लिए आपका ये जो ई कॉमर्स ट्रेडिंग है वो कितना ज़्यादा उपयोगी है, इस बारे में हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं कि उसके कैटेगरीज क्या क्या हो सकते हैं ई कॉमर्स के। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो इसका कैटेगरी है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या होता है कि आज की प्रेजेंट डेट पे हमको तरह तरह के ऑफर्स अवेलेबल रहते हैं। अगर एक मैं कोई टिकट बुक कराने जाऊँ, आइदर यू आर यूजिंग अ फ्लाइट और ट्रेन, अगर आप एक मीडिएटर या किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं तो आपको अपनी सीट चाहिए, वो एयर टिकट जो नॉर्मल रहता है आपका जो प्राइस वो तो रहेगा, साथ ही साथ आपका क्या रहता है कि आपको साथ में आपकी जो मनचाही वो रहती है उसके लिए भी आपको क्या करना रहता है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हो गए हैं कि आप अपने हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसमें ऑफर्स अवेलेबल रहते हैं, आप उसको कम पैसे में भी आप कर सकते हैं। ओके, देन आपका है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम प्रोवाइड करता है, ट्रेड ट्रांजैक्शंस करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी प्रिंटेड ऑर्डर्स और इनवॉइस और कोई डिलेज, है ना। आप ऑनलाइन ईमेल्स वगैरह हो गया या आपको कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भेजना है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो लार्ज चेन फॉर ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स के लिए है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट कॉमर्स। इंटरनेट कॉमर्स अगेन आपका जो यूज़ होता है इट इज़ यूज फॉर एडवर्टाइज ऑफ सेल ऑफ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये एप्लीकेशन बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन के लिए है। बिजनेस टू बिजनेस जो डायरेक्ट बिजनेस के रिगार्डिंग डील करते हैं उनके लिए, और बिजनेस टू कस्टमर मतलब अगर मे बी आजकल स्टार्टअप कोई करता है तो कोई किसी से ले के घर से फिर स्टार्ट करता है तो फॉर जो घर पे है वो तो कस्टमर हो गया, तो हम वैसे भी डील कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका है द परचेज ऑफ गुड्स दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय पोस्ट और बाय बुकिंग ऑफ टिकट्स दैट कैन बी पिक्ड बाय द क्लाइंट्स व्हेन दे अराइव एट द इवेंट। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है, ये आपका क्या है, थ्री कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में आप एयरलाइन टिकट्स के बारे में हमने देखा, EDI पे आप लार्ज नंबर मतलब विदाउट एनी प्रिंटेड और इनवॉइस इन सब के बदले आप लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उस पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुड्स डिलीवर्ड हो जाते हैं, बुकिंग द टिकट्स, पिक्ड बाय द क्लाइंट्स व्हेन द इवेंट इज अराइव, ये सारे आपके कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके ई कॉमर्स के, ये देखते हैं। बाइंग और सेलिंग अ वराइटी ऑफ फूड्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन होम्स और बिजनेस। ओके, आपको खरीदना या बेचना ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे चीजों पे घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन एनी टाइम एनी वेयर हो सकता है, कैन लुक फॉर द लोएस्ट प्राइस के लिए आप लुक कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस कैन रीच आउट द वर्ल्ड वाइल्ड क्लाइंट्स, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है ऑब्वियसली, इट इज नॉट डिपेंडेंट
ऑन नेटवर्क और सॉरी इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आप सामने से मिलेंगे तब आपका काम होगा. आप ऑनलाइन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, आप यूजिंग लॉट्स ऑफ एप्स, आप वीडियो कॉल्स या वॉइस चैट्स, ये सारी चीज़ें आप अपने डेटा दिखा सकते हैं. जो सर्विसेज आपको देना है या कोई गुड्स आपको दिखाना है, आप ऑनलाइन सब चीज़ वो चीज़ कर सकते हैं. देन आपका है ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, कोई भी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपका रिड्यूस हो सकता है. आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टू डिफरेंट प्रोवाइडर्स, बिजनेस प्रोवाइडर के साथ, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फास्टर हो गया है आज की डेट में. आपको कहीं पैसे भेजना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वन ऑफ द बेस्ट वे है. देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिंपलर हो गया है, फास्टर हो गया है ना. सेवरल ऑर्डर आप वेंडर से ले सकते हैं, मॉनिटर सप्लाईज कर सकते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल भी आपका काफी अच्छा हो सकता है. अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस में अगर जाएं तो आपका क्या है, थोड़ा सा क्या है, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं उनके लिए ईडीआई थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा. सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट इज नॉट वेरी गुड, वायरस या हैकर अटैक्स, बट इट्स नॉट ऑलवेज. हम इसको हाँ बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि कोई हैकर आपका अटैक कर सकता है. प्राइवेसी इन ई ट्रांजेक्शन थोड़ा सा हमको देख के करना पड़ता है. ओके देन आपका जो लास्ट है वो शॉपिंग, डी पर्सनलाइज शॉपिंग. ओके देन ट्रेड्स ऑफ ई कॉमर्स, तो आप ट्रेड्स क्या क्या, इसके नुकसान क्या क्या चीज़ों पे अपन को ध्यान देना है, तो वो है हैकर्स अटेम्प्टिंग टू स्टील कस्टमर इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करता है या साइट को डिस्ट्रप्ट करता है, सर्वर कंटेनिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन स्टोल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हैं, अथोराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर या डाउनलोडिंग हिडन आर्चिव कंटेंट्स, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो थ्रेड्स हैं. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा है, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि हैकर्स उसको ईजिली वो ना कर पाए. और स्टील डेटा, कोई भी आपके कॉम्पिटिटर्स या एक्स एम्प्लॉयज हैं जो आपके डेटा को स्टील कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देन आपके फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या है, हाँ यूबिकिटी. ओके इंटरनेट या वेब टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ कर रहे हैं मार्केट प्लेस में, ओके बियॉन्ड ट्रेडिशनल अवेलेबल एवरीवेयर एट वर्क एट होम एंड बिजनेस बाउंड्रीज इज रिमूव फ्रॉम टेम्परल एवरीवेयर. ओके मार्केट प्लेस क्रिएट होता है, शॉपिंग कैन टेक प्लेस एनीवेयर, कस्टमर कन्वीनियंस हो गया, शॉपिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है. ग्लोबल रिच में जाएं तो टेक्नोलॉजी जो है अक्रॉस कल्चर, नेशनल बाउंड्रीज, अराउंड द अर्थ, ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन हो सकती है. यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, बहुत सारे टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड हैं जिसको आप अक्रॉस द ग्लोब यूज़ कर सकते हैं. रिचनेस है, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वीडियो ऑडियो टेक्स्ट मार्केटिंग मैसेज आर पॉसिबल हो गया है, इंटीग्रेटेड कर सकते हो कस्टमर के एक्सपीरियंस के लिए. मार्केटिंग मैसेज भी आप कर सकते हो यूजिंग ब्रॉडकास्ट मैसेज. इंटरएक्टिविटी जो है, कस्टमर्स के एंगेज्ड हो जाएंगे, डायलॉग इंटरेक्शन विद द यूज़र है ना. इन्फॉर्मेशन डेंसिटी, जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग स्टोरेज रिड्यूसेस इन्फॉर्मेशन कॉट, रेजेस क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग पावर पॉइंट और दुनिया भर के तरीके हैं. कम्युनिकेशन कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आप एकाएक सब चीज़ आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं. कस्टमाइजेशन हो जाएगा, कोई भी चीज़ को आप एक कस्टमाइज पर्सनलाइज मैसेज के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हो. ओके अब है बिजनेस मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स. बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, दे आर बेसिकली फोर बिजनेस मॉडल. सबसे पहला है बिजनेस टू कंज्यूमर. बिजनेस टू कंज्यूमर एनवायरमेंट में क्या होता है, कंपनी सेल देयर ऑनलाइन गुड्स टू कंज्यूमर्स हु इज द एंड यूजर. जो कंपनीज है वो आपका फर्स्ट यूजर है और जो ले रहा है वो आपका एंड यूजर है. ओके यूजुअली बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वेब शॉप्स हैव विजिटर्स है, मीनिंग दैट देर इज नो नीड फॉर अ पर्सन टू लॉग इन ऑर्डर टू मेक प्रोडक्ट रिलेटेड इंक्वायरी. ओके जैसे आपका ये हो गया, ये वेबसाइट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कस्टमर यहाँ से आप ऑर्डर प्रोसेस किए और ये सीधा कस्टमर को आपका क्या हो गया, सप्लाई हो गया. कस्टमर ने यहाँ वेब ऑर्डर दिया, यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ और ये आपको सप्लाई हो गया. देन आपका होता है बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, कंपनीज सेल देयर ऑनलाइन गुड्स टू अदर कंपनीज विदाउट बींग एंगेज टू सेल टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते, वो डायरेक्टली सेल करते हैं बिजनेस
बिजनेस टू बिजनेस पे। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट है, यहाँ से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है, वो यहाँ पे क्या करता है, जैसे बिजनेस टू बिजनेस वर्कशॉप, बी टू बी वर्कशॉप यूजुअली कंटेन कस्टमर स्पेसिफिकली प्राइजिंग, कस्टमर स्पेसिफिक असॉर्समेंट और कस्टमर स्पेसिफिक डिस्काउंट्स, ये तीन कंटेन करके रखता है बिजनेस टू बिजनेस उस पर। तो ये हो गया आपका। अब होता है कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस। इन कस्टमर टू बिजनेस ये देखो यहाँ पे आपका है वेबसाइट से बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस पे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से होलसेलर ने ऑर्डर किया, वहाँ से उसका सप्लाई आया और फिर वो क्या किया, कस्टमर को सेल आउट हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि बिजनेस टू कस्टमर, तो कस्टमर डायरेक्टली डील किया और उनको सप्लाई हुआ। अब होता है बिजनेस टू बिजनेस पे कि वेबसाइट से बिजनेस वाले ने अपने लिए डील किया और फिर वो कस्टमर को सेल किया। अब है कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस में क्या होता है, ये डायग्राम देखते हैं कि वेबसाइट है, वहाँ पे रिसीव प्रोडक्ट, रिसीव मनी, तुरंत का तुरंत प्लेस मनी फॉर पर्टिकुलर सर्विस उसके लिए है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर यूजुअली पोस्ट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑनलाइन ऑन विच कंपनीज कैन पोस्ट देयर बिड्स, कस्टमर रिव्यूज बिड्स, ये डायरेक्टली मनी जैसे हुआ आपको सीधा वो चीज प्रोडक्ट हो। कस्टमर टू कस्टमर यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन गुड्स एज वेल एज ईबे, मतलब कोई कस्टमर है वो कोई चीज बेच रहा है किसी और कस्टमर को, तो उस टाइप से इसमें क्या होता है, वो होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चार आपका क्या है बिजनेस मॉड्यूल्स है, एक है बिजनेस टू कस्टमर, एक है बिजनेस टू बिजनेस, एक है कस्टमर टू बिजनेस और एक है कस्टमर टू कस्टमर। ये सारी चीजें हमने देखी। और उसके बाद है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन हो गया, और गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट को भी अप्लाई होती है, तो उस चीज के लिए हम जो यूज करते हैं वो है आपका ई गवर्नेंस। ओके, उसमें होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट और फिर वो गवर्नमेंट को देता है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट बिजनेस प्रोवाइड करती है, तो उसमें अपन को क्या करता है, गवर्नमेंट हो गया, फिर वेबसाइट और फिर बिजनेस वाले को होता है। और गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप, ये आपका हो गया सिटीजनशिप के लिए। तो ये सारे तरीके हैं आपके कस्टमर बिजनेस मॉडल्स बोल सकते हैं, ई कॉमर्स मॉडल्स के। तो हमने देखा कि कौन कौन से ई कॉमर्स मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स होते हैं ई कॉमर्स में। तो बेसिकली चार मॉडल्स होते हैं, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस और आपका है कस्टमर टू कस्टमर। और अगर गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को यूज़ करती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ किए हैं, ई कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स आपका क्या है, सॉरी ई गवर्नेंस। ओके, ई गवर्नेंस क्या होता है, इट इज ए एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो डिलीवर करता है गवर्नमेंट सर्विसेज को, एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, है ना, और इंटीग्रेट करता है वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम को, वो ट्रांसफर करता है। तो इसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड हैं वो गवर्नमेंट टू कस्टमर है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, एज वेल एज बैक ऑफलाइन प्रोसेस है। दो ई गवर्नेंस क्या लिखा हुआ है, दो ई गवर्नेंस सर्विसेज विल बी प्रोवाइड अवेलेबल सिटीजनशिप, है ना। तो उनका मेन तीन जो है वो है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट टू ट्रेड एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्च वेबसाइट्स आर एक्रेडिटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड मीडियम टू बिजनेस टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट यूजेस बी टू जी मॉडल, सर्च वेबसाइट सपोर्ट ऑक्शंस है, टेंडर्स है, है ना, जैसे नगर निगम वाले हो गए, वो वाला है, वो क्या करते हैं बिजनेस प्राइवेट वाले को देते हैं, कोई टेंडर पास करते हैं कोई फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो क्या हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेस। और गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप में क्या होता है, सच वेबसाइट सपोर्ट्स ऑक्शन ऑफ व्हीकल्स हो गया, मशीनरी हो गया, या रजिस्ट्रेशन हो गया, बर्थ, मैरिज, डेथ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें टू गवर्नमेंट टू सिटीजन्स प्रोवाइड होती है। तो ये सारा चीज़ आपका ई कॉमर्स के थ्रू होता है ना, आज की डेट में आपको जाने के लिए सब ऑनलाइन फुलफिल हो जाता है, आपको चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती है गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप के लिए इंक्लूड हो जाती है। तो वो वेबसाइट रहता है, वहाँ से सिटीजन्स अपने हिसाब से चीज़ों को गवर्न कर सकता है। तो ये आपके तरह तरह के क्या थे
बिजनेस मॉडल्स थे ई कॉमर्स में। तो हमने आज ओवरऑल ये देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा इसके बारे में, किसके बारे में, कि व्हाट आर द डिफरेंट, यस दिस वन, व्हाट आर द ई कॉमर्स कैटेगरीज। ई कॉमर्स कैटेगरीज क्या होता है? तो सबसे पहले हमने उसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पढ़ा, जो बुकिंग ये सब के लिए है। दूसरा हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा इंटरनेट कॉमर्स, है ना। ये सारी चीज़ें, ईडीआई काफ़ी अच्छा है, जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए। ये आपका डायग्राम है, जो तीन कैटेगरीज एक दूसरे से लिंकअप है हालांकि, बट ये आपको डिफाइन करता है। देन हमने एडवांटेजेस पढ़े, आज के डेट में ई कॉमर्स के कितने सारे एडवांटेजेस हैं। आप कहीं पे भी कोई भी टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, घर बैठे आप बिजनेस अपना कर सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं, पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। ये डिसएडवांटेज भी हमने देखा। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेज थे, जिस पे हैकर्स, वायरसेस या ट्रांजैक्शन की गारंटी के लिए जो प्राइवेसी है वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। देन हमने थ्रेड्स देखा ई कॉमर्स पे, कि थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या एक कस्टमर को एक मन पे रहता है ना कि क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो दीज आर द थ्रेड्स जिस पे बेसिकली डील है आपका हैकर्स का ही, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका चुरा, या कोई आपका एक्स एम्प्लॉय है वो कैसे करेगा। सो थैंक यू क्लास, आज होप आप लोग को समझ